खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां दीपावली का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं रीवा में प्रकाशोत्सव के बीच कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन बच्चों के बीच पहुंचकर दीपोत्सव मनाया, जहां बच्चों से सीधे संवाद करके उनके भविष्य और जिस क्षेत्र में पढ़ना चाहते हैं किस तरह से प्रशासन मदद कर सकता है चर्चा की। इस दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बच्चों के बीच पहुंचकर उन्हें अपना बचपन याद आ गया। यह खुशियों का त्योहार है और बच्चों के बीच पहुंचकर खुशी दुगनी हो गई है। दिखाते हैं दीपोत्सव कार्यक्रम, जहां जिले के आला अधिकारियों ने बच्चों के बीच मनाया है और कलेक्टर मनोज पुष्प ने क्या कहा है। आप तो सीए बनोगे, इसमें क्या है? ऐसा ऐसा हल्के से क्यों बोल रही हो? विचार तो है सीए तो हो जाएगा। उसके लिए बहुत जरूरत नहीं पड़ती कोचिंग को। कोचिंग के डर में किसी बच्चे को नहीं आना। अगर आप एनसीईआरटी की किताबें अच्छे से पढ़ते, अच्छे से मतलब एक एक लाइन अंडरलाइन करके दोबारा तिबारा पढ़ के, अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हो, हर कोचिंग वाले एनसीईआरटी को ही फैला के अपना मटेरियल बनाता है और कुछ नहीं करता। एनसीईआरटी में जो चीज़ें तीन लाइन में लिखी, आप लोग नहीं लिखे क्या? कौन कौन है तुम्हारे घर में? दिवाली मनाई जा रही है, उसका क्या उद्देश्य है, किस तरीके से कार्यक्रम है? दिवाली का कोई उद्देश्य तो होता नहीं है। दिवाली का उद्देश्य है कि बच्चे भी आनंद करें, हम लोग भी आनंद करें, और इसलिए आज सभी बच्चों को यहाँ बुलाया है और बच्चों के साथ खेलने खाने और आनंद करने का समय है। और इसी दौरान उनसे हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और जो बच्चे 11th 12th में हैं उनके साथ हम लोग 1-to-1 ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस स्ट्रीम में उनको जाना हो उसके हिसाब से हम उनके प्रिपरेशन में क्या मदद कर सकते हैं। तो वो एक इंटरेक्शन का सेशन भी हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा दीपावली का त्यौहार है तो मिठाइयाँ खाने और पटाखे चलाने और मस्ती करने का पूरा प्रोग्राम यहाँ पर। इस नवाचार में बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग भी खुश हैं, क्योंकि जब बच्चों के साथ आप होते हैं तो आपका भी बचपन वापस लौट के आता है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़िले के प्रशासनिक महत्वपूर्ण अधिकारी हैं वो भी यहाँ रहें और सभी लोग अपना बचपन रीडिस्कवर करें। तो उनके साथ जितने बच्चे खुश हैं उससे ज़्यादा हम लोग खुश हैं। आप सभी से, जिले के सभी लोगों को, मीडिया की पूरी टीम को, जिला प्रशासन की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सभी सुखद सप्रसन्न रह के, स्वस्थ रह के दीपावली मनाएं और आने वाला जो वर्ष है वो मंगलमय हो जिले के लिए, सभी के लिए, और आप सभी के लिए व्यक्तिगत और आपके परिवार के लिए सानंद और सुखद भविष्य की मंगल कामना। थैंक यू सर। थैंक यू। एक बाइट उसमें चाहिए।